आपको बॉलिंग कार्ड दिखा दें, क्योंकि आशु भाई ने यहाँ पे हर्षल पटेल की बात करी, स्लोअर वन से आज 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किया है। पूरे सीजन स्लोअर वन का बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया है। स्लोअर वन एक होता है कि जी कंडीशंस जो है, मेरी जो गेंदबाजी है कंडीशंस आर सूटिंग मी, तो मैं उसका कैसे फायदा उठाऊं, देन दी ओनर्स ऑन यू एज अ प्लेयर। और वो कहीं ना कहीं वो ईगो असाइड ना, कि फिर जी छोड़ो ये वो आचा पाचा, स्लोअर वन कटर, स्लोअर वन कटर, और इसी के बलबूते पे मेरे को सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल, और उनको जो सक्सेस मिल रहा है वो उसी की वजह से जो आपने जिक्र किया। और शायद जब उनको ऑक्शन में नहीं, शायद ट्रेड हुए थे, ये दिल्ली से आए हैं, ये भी काफी जगह घूम के आए हैं। हर्षल पटेल पहला साल नहीं है आईपीएल का, आई थिंक 4-5 टीमों में ये खेल चुके हैं। और जब जब इनको जिस टीम ने लिया है ना, वो इसीलिए क्योंकि इनकी जो स्लोअर रन है उसी के लिए आप लेते हैं, किसी को आप लेते हैं किसी की बल्लेबाजी के लिए, किसी को सीम बॉलिंग के लिए, और वो ये स्लोअर वन है। और एंड में जो डालते हैं लास्ट के 3 ओवर लगातार भी कई बार कई टीमों ने इनसे डलवाया हुआ है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इनकी जो यू नो स्लोअर वन चल रही है ना, वो बाकियों से अलग चल रही है। एक स्पेशल तरह की एक होता है कि यू नो शॉट तो सारे मारते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं ना शॉट है भाई, तो इनकी वजह क्या है? आई थिंक जो मेन चीज इनकी चल रही है कि जिस तरह से सब मारते हैं, कटोरियां घुमाते हैं, लेकिन कटोरी ना वो ये वाली डिप कर रही है, यू नो एज बैट्समैन को लग रहा है कि यार यू नो कि तेज वाली बॉल आ रही है और सडनली आगे गिर जाती है आपको, तो इसीलिए जो बल्लेबाज शायद इतने बीट हो रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं, उनसे इतनी आसानी से इतनी विकेटें नहीं मिल रही उनको, लेकिन इनकी जो डिप हो रही है उसकी वजह से शायद खेलना मेरे को लग रहा है कि बल्लेबाजों को ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को आइडिया लगने का, जब आइडिया लग जाए ना फिर आपको कोई नई चीज ढूंढ के लेके आनी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त तो इनकी कटोरियां तो ऐसी है जैसे थाली में ना 6 पिरोसी हुई है, इनका मूड आता है वो निकाल लेते हैं, कोई आगे वाली कोई पीछे वाली, पूरी थाली में ना कटोरी कटोरी छाई हुई, और बैट्समैन बेचारे इस वक्त यू नो ये मतलब थाली में अपनी विकेट कटी कर करके घर ले जाते हैं। कटोरी के बलबूते पे यहाँ पे ब्रावो साहब का जो रिकॉर्ड है 32 विकेट का एक सीजन में, उसके काफी पास आ गए हैं। हु इज टू से दैट ही वोंट ब्रेक इट आशु भाई, अगर मैं आपको टेक्निकल नजरिए से पूछूं कि आप जब स्लोअर वन डालते हैं, पहला होता है क्लैरिटी कि आप रनअप पे जा रहे हैं, आपके दिमाग में है कि मैंने स्लोअर वन ही डालना है। दूसरा है रिलीज पे आशु भाई, अगर आप समझाएंगे जो वो डिप आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। देखिए हर गेंदबाज का एक्शन बिल्कुल अलग होता है, जो आपने ब्रावो साहब की भी बात करी ना, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2015 में उन्होंने 31-32 विकेट लिए थे, उनमें भी जो ना अधिकतर जो विकेट्स हैं वो धीमी गेंदों पे थे, क्योंकि मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहा था और 7 मुकाबले हम घर पे खेल रहे थे, और जहां पर वो गेंदबाजी करते थे उस समय भी आज भी वही कर रहे हैं, वो सर्कल खुलने के बाद 8-10-11-12 के बाद, और वहां पर भी उनका धीमा गेंद बहुत चलता था। उसका कारण क्या था, क्योंकि हर गेंद की ना धीमे गेंद की भी एक लेंथ है। हर्षल पटेल की जो इस सीजन जो सबसे अच्छी देखने वाली चीज है कि गेंद एक डिप तो हो ही रहा है, उनका भी जो आर्म एक्शन है ना बड़ा क्विक है, और गेंद बड़ी अच्छी उनके हाथ से डिप हो रही है। जैसे अजय ने कहा ना, अगर मैं लेफ्ट हैंडर के हिसाब से समझाऊं, कई लोग कटोरी ऐसे डालते हैं, जसप्रीत बुमराह भी है, उनकी जो स्लोअर वन है ना वो ऐसे निकलती है हाथ से, ऐसे नहीं है, ऐसे है, सबका एक रिलीज अलग है, तो उनकी डिप होती है। मलिंगा साहब की डिप होती थी स्लोअर वन, क्रिस क्रेन्स एक गेंदबाज होते थे, ऑलराउंडर होते थे न्यूजीलैंड के, उनकी बड़ी अच्छी डिप होती थी। पर जो डिप भी हो रही है, समय तो अच्छा है ही, परिस्थितियां आपके मतलब की है, टीम बेहतर कर रही है, टाइम अच्छा चल रहा है, वो सब तो है ही है, पर उसको अच्छा बनाने में भी खिलाड़ी को खुद तो मदद करनी पड़ती है ना। तो हर्षल पटेल ने जो मदद करी है कि जो उनकी स्लोअर वन है ना उस पर उनका कंट्रोल जो लेंथ का है वो बहुत बढ़िया है। अगर आज आप देखें जिस प्रकार आउट हुए वृद्धिमान साहा, जिस तरीके से आउट हुए होल्डर, जिस तरीके से आउट हुए केन विलियमसन, कि ना वो ज्यादा ऊपर है ना दूर है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक इसी ही अच्छी खींची हुई को ना बल्लेबाज मिड ऑन मिड विकेट पे एक हाथ से छक्के मार देता है। बॉम्बे बेंगलोर में तो हमने बहुत देखे हैं कि जो बाउंड्रीज पे आज आउट हुए हैं ना, ये जब आप भारत में खेलते हैं इन खास तौर पर इन ग्राउंड पे, तो वो हाथ में भी जाती छक्के भी जाते हैं, यहाँ पर हाथ में गई है, चेन्नई में हाथ में जाती थी, तो उन्होंने परिस्थितियों को भी अपने लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। और एक बार फिर जो लेंथ है उनकी स्लोअर वन की ना वो बहुत काबिले तारीफ है, और अब स्लोअर वन काली वो दूर वाली नहीं, अब कभी कभार आपने देखा ना कि बिल्कुल आगे भी स्लोअर वन डाल देते हैं, जैसे मलिंगा डालते थे, जसप्रीत बुमराह डालते हैं, वो आप किसी भी गेंद के साथ तभी कर सकते हैं जब आपका कंट्रोल है, कि जैसे यॉर्कर भी अगर एक गेंद आप बात कर लीजिए, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाल दीजिए, 4th-5th स्टंप पे डाल दीजिए, नहीं अभी यॉर्कर में ये बैट्समैन पैर खोलता है अपना, टांग पे फिल्टर लगे पैर पे डाल दीजिए, तो गेंद तो यॉर्कर ही है पर उनकी जो लाइन है वो अलग है। तो इसी प्रकार गेंद तो स्लोअर वन है और उसकी लाइन अलग है, उसकी लेंथ अलग है, वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी वेरिएशन है, जो कई बार गेंदबाज समझते नहीं कि हम ना जरूरत से ज्यादा ना कुछ प्रयास करने का करते हैं, कि कुछ और कोशिश करते हैं जिसमें दिक्कतें भी आपको रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है हर्षल पटेल का कि जिस चीज पर सक्सेस मिल रही है उसकी इन्होंने इस समय मास्टरी करी हुई है और उस पर पूरा कंट्रोल दिखा रहे हैं।